डिसक्वालीफाई होने के बाद विनेश फोगाट की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। 2024 पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल की दावेदार मानी जा रही भारत की स्टार पहलवान विनेश फोगाट को ओवरवेट होने की वजह से डिसक्वालीफाई कर दिया गया है। अब खबर आई है कि विनेश फोगाट की तबीयत बिगड़ गई है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विनेश फोगाट डिहाइड्रेशन के कारण किसी अस्पताल में नहीं बल्कि खेल गांव के अंदर पॉलीक्लिनिक में भर्ती हुई। ये भी जानकारी मिली है कि कोई सीरियस मामला नहीं है, जल्द ही उन्हें डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि विनेश फोगाट का वजन 100 ग्राम ज्यादा हो गया था, इसी वजह से उन्हें पेरिस ओलंपिक से डिसक्वालीफाई कर दिया गया। विनेश से सभी को गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, बीती रात उन्होंने सेमीफाइनल में शानदार जीत दर्ज की थी। शानदार प्रदर्शन करने वाली विनेश फोगाट से गोल्ड मेडल की पूरी उम्मीद लगाई जा रही थी। अब उनके डिसक्वालीफाई होने के बाद फैंस इस उम्मीद पर पानी फिर गया। विनेश फोगाट के डिसक्वालीफाई होने के बाद उनके परिवार वालों ने सरकार और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इसमें सरकार और बृजभूषण शरण सिंह का हाथ है। बता दें कि विनेश देर रात 12:30 बजे 8 अगस्त को फाइनल मुकाबला खेलना था। फाइनल मैच में विनेश की भिड़ंत यूनाइटेड स्टेट्स की सारा एन हिल्डेब्रांड से होनी थी। नियम के हिसाब से डिसक्वालीफाई होने के बाद अब पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक्स 2024 में कोई मेडल नहीं जीत पाएंगी, यानी फाइनल में पहुंचने के बावजूद विनेश को बिना मेडल घर वापस लौटना पड़ेगा। साफ है कि फाइनल में पहुंचने के बावजूद गोल्ड मिलना तो दूर की बात, अब विनेश फोगाट को सिल्वर और ब्रॉन्ज से भी हाथ धोना पड़ गया है। डिसक्वालीफाई होने के बाद विनेश फोगाट की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। 2024 पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल की दावेदार मानी जा रही भारत की स्टार पहलवान विनेश फोगाट को ओवरवेट होने की वजह से डिसक्वालीफाई कर दिया गया है। अब खबर आई है कि विनेश फोगाट की तबीयत बिगड़ गई है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विनेश फोगाट डिहाइड्रेशन के कारण किसी अस्पताल में नहीं बल्कि खेल गांव के अंदर पॉलीक्लिनिक में भर्ती हुई। ये भी जानकारी मिली है कि कोई सीरियस मामला नहीं है, जल्द ही उन्हें डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि विनेश फोगाट का वजन 100 ग्राम ज्यादा हो गया था, इसी वजह से उन्हें पेरिस ओलंपिक से डिसक्वालीफाई कर दिया गया। विनेश से सभी को गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, बीती रात उन्होंने सेमीफाइनल में शानदार जीत दर्ज की थी। शानदार प्रदर्शन करने वाली विनेश फोगाट से गोल्ड मेडल की पूरी उम्मीद लगाई जा रही थी। अब उनके डिसक्वालीफाई होने के बाद फैंस इस उम्मीद पर पानी फिर गया। विनेश फोगाट के डिसक्वालीफाई होने के बाद उनके परिवार वालों ने सरकार और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इसमें सरकार और बृजभूषण शरण सिंह का हाथ है। बता दें कि विनेश देर रात 12:30 बजे 8 अगस्त को फाइनल मुकाबला खेलना था। फाइनल मैच में विनेश की भिड़ंत यूनाइटेड स्टेट्स की सारा एन हिल्डेब्रांड से होनी थी। नियम के हिसाब से डिसक्वालीफाई होने के बाद अब पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक्स 2024 में कोई मेडल नहीं जीत पाएंगी, यानी फाइनल में पहुंचने के बावजूद विनेश को बिना मेडल घर वापस लौटना पड़ेगा। साफ है कि फाइनल में पहुंचने के बावजूद गोल्ड मिलना तो दूर की बात, अब विनेश फोगाट को सिल्वर और ब्रॉन्ज से भी हाथ धोना पड़ गया है।